हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल राउंड सपोर्टर पर। तो मैं आज आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ, जो अपना DSSB फायर ऑपरेटर का PET आज 11 तारीख से स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या सावधानी रखनी है, मैंने स्टूडेंट से रिव्यू लिया है, उसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड है जो गए थे PET के लिए, आज उनका PET था, तो मैंने उससे रिव्यू लिया है और कुछ कमियां हो सकता है मुझे रह गई, वो शायद मुझे पूरी डिटेल नहीं बता पाए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने जो उनसे जानकारी मिली है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं समय समय पर आपको वीडियो अपलोड कराता रहूँगा और आपको DSSB फायर ऑपरेटर से रिलेटेड अपडेट देने का प्रयास करता रहूँगा। आप अगर सब्सक्राइब करते तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं सबसे पहले वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए, तो ये मेरी कोशिश रहेगी। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको कोई पैसा नहीं लगता है, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। तो आज DSSB फायर ऑपरेटर का 11 तारीख, आपको जैसे पता ही है आज 11 तारीख थी, तो 11 जनवरी से आपके जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं PET स्टार्ट हो गया है 11 तारीख से और चलेगा 22 फरवरी तक। अलग अलग सेक्शंस के अंदर होगा, आपके एडमिट कार्ड जारी हो गए उस पर मैंने वीडियो बना के डाल रखा है। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर बताएं और जो आप गए हैं जिसमें PET देने के लिए, वो ज़रूर बताएं कि क्या क्या हुआ था कमेंट सेक्शन के अंदर। जो मैंने रिव्यू लिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं कि आज 11 तारीख का PET था। PET का मतलब होता है फिजिकल एंड्योर टेस्ट, जो फायर ऑपरेटर के लिए, इसके बाद आपका रिटर्न होगा, इसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ होगा। जैसे ही अपडेट आती रहेगी मैं आपको वीडियो बना के देता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता रहूँगा साथियों। तो आज क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपका वहीं पर गेट पर जो एडमिट कार्ड और जो ID प्रूफ वगैरह है वो चेकिंग होगी। उन्होंने जैसा बताया मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, थोड़ी सी बात हुई थी मेरी उनसे, ज़्यादा कुछ हो ही नहीं पाई थी। तो उन्होंने कहा गेट पर हमारा एडमिट कार्ड, जो ID कार्ड, जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मांगे गए, आपका जो फ़ोटो, साइन, थंब वगैरह सब और गेट के अंदर एंट्री के टाइम सब कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद आपको टैग नंबर दिया जाएगा, आपके शर्ट पे लगाने के लिए टैग नंबर लगा दिया जाएगा, फिर वो टैग नंबर होगा। उसके बाद आपका सबसे पहला होगा हाई जंप, फिर होगा आपका हाई जंप हो गया, फिर होगा आपका लॉन्ग जंप, और फिर होगी आपकी जो है रनिंग होगी 800 मीटर की रनिंग होगी। और इसमें साथियों मैं ये बता देता हूँ, इससे पहले साथियों बहुत सारे कमेंट आए थे कि इसमें हाइट या चेस्ट साथ में होगी या नहीं होगी, इसकी मेरे को पता नहीं था और इन्फॉर्मेशन जो नोटिस आया था उसमें भी कुछ डाल नहीं रखा था। तो मेरे ख्याल से अगर फिजिकल हुआ है तो उसमें हाइट और चेस्ट भी साथ में हुई होगी, क्योंकि फिजिकल का मतलब ही फिजिकल के अंदर ही हाइट और चेस्ट आ जाती है ना साथियों। और आप पूछ रहे हो कि हाइट चेस्ट साथ में होगा नहीं होगा, अरे भाई साहब हो सकता है, फिजिकल है, फिजिकल के अंदर मुझे लगता है कि हाइट और चेस्ट साथ में हुई होगी। उनसे मेरे उन्होंने मुझे बताया नहीं इसके बारे में, शायद कुछ भूल गए होंगे वो। तो मेरे ओपिनियन ये है कि हाइट और चेस्ट आपकी फिजिकल के अंदर साथ हो गई होगी, क्योंकि ये फिजिकल का ही मैटर है। तो हाइट और चेस्ट मुझे लगता है जो आपकी उसी के साथ आज हो गई होगी, और हाइट और चेस्ट हो जाती है क्योंकि फिजिकल के अंदर ही आती है साथियों, तो ये साथ होनी चाहिए। और आप पूछ रहे हो कि हाइट, तो आप, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्या एक दिन के अंदर हाइट बढ़ा सकते हो क्या साथियों? आप जो अपना लॉन्ग जंप हाई जंप है ना उस पर फोकस करिए और रनिंग पे फोकस करिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नंबर है, फिजिकल के बहुत ज़्यादा नंबर है इसके अंदर। आप फिजिकल के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हो तो आपके पास बहुत ही अच्छा चांस बनता है। अगर आपके रिटर्न में कम नंबर भी आएंगे ना, तो अगर फिजिकल के अंदर आपके अच्छे नंबर है ना, तो वो मेरिट वे काउंट होते हैं, आपको पता ही है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे साथियों। तो मेरी आपसे ये राय है कि आप अगर आपका फिजिकल अभी टाइम है 22 तारीख को, ये अभी 5-7 दिन जो भी टाइम बचा है उसमें पूरा फोकस कीजिए अपना फिजिकल पर, क्योंकि यही आपको मेरिट में ला सकता है। तो फिजिकल पर पूरा ध्यान दीजिए साथियों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अब जो भी आप अगर PET देने जाते हैं उसके बाद वापस आके अपनी राय इस कमेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या क्या हुआ था, और मेरे से हो सकता है कुछ मिस्टेक हो और उन साथियों ने मुझे से हो सकता है कि सही जानकारी नहीं दी हो। तो आपको पास जो भी जानकारी है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और समय समय पर जैसे ही आपका रिटर्न टेस्ट होगा
या और भी कोई अपडेट आएगी भर्ती से रिलेटेड, जो भी बोर्ड अपडेट डालेगा, मैं हमेशा आपको सही जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। मेरा झूठी जानकारी देने का कोई उद्देश्य नहीं है साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और समय समय पर आपको जानकारी भी मिलती रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें साथियों, और अपने साथियों के साथ वीडियो शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि फिजिकल में क्या क्या हुआ था आपके। तो जय हिंद, जय भारत साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।